हेलो फ्रेंड, दिस इज अविनाश चंद्रा, वेलकम टू करियर हब एडू। दोस्तों, वर्तमान समय में प्रस्तावित भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पुनः मैं आप लोगों के लिए विशेष तैयारी की योजना लेकर आया हूं। बहुत जल्द मैं MCQs इस चैनल पर करवाने जा रहा हूं, जिसके बारे में आपको अवगत करा दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ दिनों से क्लास नहीं ले पा रहा था, परंतु अब आप लोगों को विशेष क्लास दी जाएगी। और एक बात कि वर्तमान समय में अनअकैडमी, जो इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है और उसमें मैं लगातार क्लास दे रहा हूँ। अतः आप सभी स्टूडेंट से उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाएंगे और कम समय में अधिक से अधिक विषयों की जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और अदर जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप ले लेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू अनअकैडमी। दिस इज इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। दिस इज अविनाश चंद्र और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंडियन पॉलिटी की छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं आपको छोटी छोटी मगर मोटी बातों में कुछ बातें बता दूं, जिसकी वजह से आप प्रेरणा आपको मिले और आप एक अच्छे स्तर से गुणवत्ता के साथ आप अपने अध्ययन को आगे दिशा दे पाओ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो अनअकैडमी के सेक्शन से मैं अविनाश चंद्रा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कुछ ट्रिकी फार्मूला, जिसकी वजह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। पहला, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपके जो ड्रीम है वो ड्रीम बिग होने चाहिए। ठीक है, आपके जो ड्रीम है वो बिग होने चाहिए। आपके जितने बड़े ड्रीम होंगे दोस्तों, उतना ही आपका गोल सेट करने होंगे, और जिस प्रकार से आपके ड्रीम होंगे, जिस प्रकार से आपके गोल्स होंगे, और उसी प्रकार से आपको एक्शन लेने होंगे, तब जाके आपके साथ बनेगा क्या, तो रिजल्ट। तो रिजल्ट लेने के लिए आपको सपने तो बड़े देखने होंगे, गोल भी सेट करने होंगे, और उसके रूप पर्याप्त दिशा और दशा के साथ आपको एक्शन भी लेने होंगे। जैसा कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि यह तूफान भी थम जाएंगे और रास्ते के कांटे भी हट जाएंगे, ए मुसाफिर यूं न थक कर बैठ कर तेरे हौसले से, यह कायनात के असूल भी बदल जाएंगे, वह बैठा है ऊपर उसके फैसले भी बदल जाएंगे। तो दोस्तों, भारतीय राज व्यवस्था में छोटी छोटी मगर मोटी बातों के अंतर्गत मैं कुछ ऐसा पॉइंट लेकर आया हूँ जिसकी वजह से आप जो राष्ट्रपति से संबंधित जो तथ्य हैं जो आप याद नहीं कर पाते हो, चुटकी बजाते ही छोटी छोटी मगर मोटी बातों में आपको याद हो जाएगी। अगर याद ना होए तो फिर मुझे बताना कि आपसे ये याद नहीं हुआ। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने पॉइंट की तरफ, लेकिन उससे पहले फिर से आपको बता दूं कि जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही अच्छा ट्रिकी पेशकश, जो आप लोग देखोगे, जो कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, वो मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ। और जुबान के साथ आप पूरे के पूरे राष्ट्रपति आपके जुबान पर होगा। देखो वो कैसे, एक नज़र आप इसे देख लो कि मैंने एक नंबर से लेकर ये 14 नंबर तक का डाटा आपके सामने रखा है, आप कितनी देर तक इसे याद कर सकते हो। इतने सारे राष्ट्रपति का नाम, और यहां से एक प्रश्न अमूमन PCS में, पब्लिक सर्विस कमीशन में, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में रहते ही रहते हैं। तो इसको आसान बनाने के लिए मैं अविनाश चंद्रा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, देखो ये मैंने एक छोटा सा ट्रिक आप लोगों के सामने बनाया है, ये खुद का ट्रिक है, बहुत अच्छा है ये ट्रिक बाय अविनाश चंद्रा। आपको क्या याद रखना है, आपको बस ये समझना है, एक बार कहानी सुनोगे आपको याद हो जाएगा। आपको ये दिमाग में रखना है कि राजेंद्र प्रसाद जो थे पहले राष्ट्रपति थे, तो देखो बाबू, राजेंद्र प्रसाद अपनी खूबसूरत पत्नी, उनकी पत्नी जो थी बहुत खूबसूरत है, इसका विषय वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, बस इसके सभी पात्र जो है काल्पनिक है, बस मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं कि राजेंद्र प्रसाद जो है उनकी खूबसूरत पत्नी थी, बहुत खूबसूरत पत्नी थी, और वो राधा कृष्ण के मंदिर में जाते हैं। तो याद रखना, राजेंद्र प्रसाद राधा कृष्ण के मंदिर में गए, यानी पहला हो गया क्या राजेंद्र प्रसाद, दूसरा हो गया क्या राधा कृष्ण। और वहां जब गए तो वहां जाकिर हुसैन नाम के जो व्यक्ति थे, जाकिर हुसैन नामक व्यक्ति जो तबला वादक थे, तबला बजा रहे थे, डग 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 तबला मार रहे थे, और उनके तबला को सुनते हुए उनकी पत्नी थिरकने लगी, और थिरकने के बाद वो गिर पड़ी। वही मैंने यहां पर लिखा है क्या, कि जाकिर हुसैन नामक व्यक्ति जो तबला वादक थे, तबला बजा रहे थे, और उनकी तबला को सुनकर उनकी बीबी गिरी। यानी पहला हो गया राजेंद्र प्रसाद, फिर हो गए राधा कृष्ण, फिर तबला बजाने वाले जाकिर हुसैन, और जाकिर हुसैन का तबला सुनकर गिरी कौन, तो बोलो बीबी गिरी। तो बीबी गिरी जबकि उन्हें हिदायत दी गई थी, हिदायत मतलब हिदायतुल्ला, अभी मैं बताऊंगा हिदायतुल्ला, जबकि उन्हें हिदायत दी गई थी अच्छे से रहना उनके तबला को सुनकर,
गिर जाओगी, फिर भी बीबी उसकी नहीं मानी और फिर भी क्या हो गई, धड़ाम से गिर गई। तो फिर से बीबी गिरी, यानी बीबी गिरी दोबारा बने, है ना। राष्ट्रपति, फक्र कीजिए, मतलब गर्व से फक्र कीजिए। तो फखरुद्दीन अली अहमद, फक्र कीजिए कि वहां डॉक्टर बीडी जत्ती मौजूद थे, मतलब एक डॉक्टर थे जिसका नाम था बीडी जत्ती, सिलाई करने वाले, ऑपरेशन करने वाले मौजूद थे, जो ऑपरेशन के लिए तैयार थे, मतलब रेडी थे। रेडी मतलब समझ रहे हो ना, रेडी समझ रहे हो ना, नीलम संजीव रेड्डी। और ज्ञानी भी थे, ज्ञानी मतलब ज्ञानी जैल सिंह। इसलिए उसने कहा कि देखो भैया, कोई भी मरीज दो चीजों से ठीक होती है, एक दवा से और एक दुआ से। तो एक ठीक होती है एक दुआ से और एक दवा से। तो दवा से तो यह ठीक नहीं हो रही, दुआ से शायद हो जाए। इसलिए साउथ में एक वेंकट रमन के मंदिर है, उस वेंकट रमन के मंदिर, वेंकट रमन मतलब आर वेंकट रमन जो राष्ट्रपति बने थे, ठीक है बाबू। तो इसके बाद क्या, मंदिर में ले जाओ, वहां पर यह ठीक हो सकती है। और वहां ले जाने के बाद शंकर भगवान थे, और शंकर भगवान की प्रतिमा मंदिर में तो रहते हैं ना, तो शंकर भगवान की प्रतिमा थी वहां, मूर्ति थी। और यह जैसे ही पता चला, आप लोग को सबको पता होगा कि जब भी भगवान की पेशकश होती है, भगवान की बात होती है, तो बीच में कौन आ जाते हैं, नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण आ जाते हैं। और वो नारायण आ जाते हैं, देखो बीच में नारायण भगवान जो बीच में प्रकट हो जाते हैं, और नारायण नारायण करते हुए बीच में आके क्या बोलते हैं, उपस्थित हुए और क्या कहते हैं कि देखो ये सभी का समस्या का जड़ तुम्हारा विवाह करना है, अगर तुम विवाह ही नहीं करते, कुंवारे ही रहते, तो ये सारी समस्या नहीं आन पड़ती। तो बंधु आपको क्या करना था, कुंवारे ही रहना था, किसके जैसा, तो एपीजे अब्दुल कलाम के जैसे कुमारे रह जाते और अपनी प्रतिभा को दिखाते और आगे बढ़ते, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और तब से उनके मुख में आ गया राम ही राम, राम ही राम, रामनाथ कोविंद। अब देखो दोस्तों, ये इतने मजेदार स्टोरी है कि इस स्टोरी के मदद से आप आसानी से समझ सकते हो। मैंने क्या बोला, राजेंद्र प्रसाद राधा कृष्ण के मंदिर में गए, तो पहला राजेंद्र प्रसाद, दूसरा राधा कृष्ण हो गया, है ना। उसके बाद जाकिर हुसैन तबला ठोक रहे थे, तो जाकिर हुसैन तीसरे नंबर पे आ गए। उसके बाद क्या हुआ, उनकी बीबी गिर गई, ठीक है। इसके बाद यानी बीबी गिरी, उसके बाद क्या हुआ कि उनको हिदायत दिया गया था, यानी हिदायतुल्ला, फिर भी बीबी गिरी, यानी फिर से बीबी गिरी। फक्र कीजिए, मतलब फखरुद्दीन अली अहमद, फक्र कीजिए कि वहां डॉक्टर बीडी जत्ती मौजूद थे, यानी बीडी जत्ती एक राष्ट्रपति हो गए, जो क्या थे, रेड्डी भी थे और ज्ञानी भी थे। तो रेड्डी मतलब क्या हो गया, नीलम संजीव रेड्डी। ज्ञानी मतलब क्या हो गया, ज्ञानी जल सिंह। जो ऑपरेशन करने के लिए तैयार थे, उनका कहना था कि भाई दवा या दुआ से ये ठीक होगा, तो दवा से तो नहीं हो रहा है, तो दुआ के लिए क्या करो, साउथ में एक मंदिर है, जाओ वहां, मंदिर था वेंकट रमन, वेंकट रमन मंदिर में गए, तो वहां मंदिर में तो क्या होगा कि भगवान की प्रतिमा होगी ना, तो वो प्रतिमा थी शंकर भगवान का। और याद रखो कि जब भी मंदिर और भगवान की पेशकश होती है, बातें होती है, तो वहां उपस्थित हो जाता है कौन, नारायण नारायण। तो के आर नारायण यहां पर हो गए, ठीक है। उसके बाद जब नारायण करते करते बोले कि अगर तुम्हारा सारे चीजों की जड़ तुम्हारी विवाह है, विवाह नहीं करते, कुमारे रह जाते, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम, और एपीजे अब्दुल कलाम बन जाते और अपनी प्रतिभा को दिखाते, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और बाद में राम राम यानी रामनाथ कोविंद। देखो मैं फिर से बैक लेकर आता हूं, ये राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद जी राधा कृष्ण के मंदिर में गए, जाकिर हुसैन तबला पीट रहे थे, उनकी जाकिर हुसैन की तबला को देखकर बीबी गिरी, और उसके बाद उनको हिदायत दिया गया था, फिर भी बीबी गिरी, यानी बीबी गिरी दोबारा हो गया, देख लो। फक्र कीजिए कि वहां पर कौन थे, बीडी जट्टी, जो क्या थे, रेड्डी भी थे और ज्ञानी भी थे, ठीक है। और वेंकट रमन के मंदिर में उनको भेजा गया, वहां शंकर भगवान का प्रतिमा था, मूर्ति था, वहां नारायण भगवान उपस्थित हो गए, और वो जो शादी नहीं करना था, यानी कुमारे रहने थे, तो वैज्ञानिक मिसाइल जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी हो गए, और अपने प्रतिभा को दिखाते, यानी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसके बाद क्या होता है कि अपना आगे बढ़ो, तो मुखर्जी और प्रणब मुखर्जी के बाद रामनाथ कोविंद। तो इस प्रकार से आप लोगों का राष्ट्रपति आपके जुबान पर होगा, सिर्फ चार या पांच बार इसको लेसन के जैसा पढ़ लोगे तो गारंटी मारो कि आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों देखो आगे का पॉइंट, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने लिख दिया है कि 13वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में अंतःकरण की आवाज पर खुला मतदान हुआ था, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी वीवी गिरी ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को पराजित किया। ये सारे पॉइंट जो मैंने लिखा है, आपको बनाया है, ये आप अपने पॉइंट को स्क्रीनशॉट कर लेना और इसको बढ़िया से अपने पास उतार लेना, क्योंकि यहां से कोई ना कोई प्रश्न पूछे जाएंगे। और बृहद जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को देखना, ठीक है, और मेरे अविनाश चंद्रा AWINASH अविनाश चंद्रा को सर्च करना। ऐसे कई वीडियो आपको उपस्थित होंगे, ऐसे कई वीडियो आपको लाजवाब तरीके से मैं सिखाऊंगा, और एक नहीं दो नहीं बल्कि हर एक सब्जेक्ट में ऐसा लाजवाब स्टोरी बनाकर लाऊंगा कि चुटकी मारते ही आपको याद हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया हो तो अन अकेडमी के चैनल पे मैं अविनाश चंद्रा आप लोगों का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। आपको बता दूं, लेट्स क्रैक झारखंड
एग्जाम्स में मैं अभी क्लासेस ले रहा हूँ अनअकैडमी पे, क्रैक जेपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि व्हाट यू विल गेट दिस प्लेटफॉर्म, आप इस प्लेटफॉर्म से क्या पाओगे। तो सबसे पहले देखो कि डेली लाइव क्लासेस, मतलब आप अपने एडुकेटर से जो भी आपका ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, आप किसी भी प्रकार के डाउट हो, डिस्कशन हो, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। स्ट्रक्चरल कोर्स, मतलब आपके कंपटीशन के अनुसार, प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो स्ट्रक्चर किया गया है कोर्स, जहां पर आप अच्छे से टू द पॉइंट पढ़ सकते हो। लाइव टेस्टेज एंड क्यूजेस की व्यवस्था है, अनलिमिटेड आपके एक्सेस हैं, आप किसी भी डिवाइसेस से अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हो, बार बार वीडियो देख सकते हो। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई इंडिया टॉप एडुकेटर जो हैं वो आपको शिक्षण देने का काम करेंगे यहाँ पर, और टू द पॉइंट लाइव क्लास आपको यहाँ पर चलेगी। इसके साथ साथ सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा एक समय के अनुसार। द एडवांटेज क्या क्या है यहाँ पर, तो सबसे पहले मैंने बताया कि शेड्यूल दैट वर्क्स फॉर यू, मतलब आप अपने अनुसार अपने शेड्यूल को तय कर सकते हो। नो लैंग्वेज बैरियर, किसी भी प्रकार का लैंग्वेज बैरियर नहीं, हिंदी चाहे इंग्लिश चाहे मलयालम चाहे तेलुगु चाहे किसी भी भाषा में आप यहां पर परचेज कर सकते हो। लर्न एनी टाइम एनी वेयर, किसी भी वक्त कभी भी किसी भी टैबलेट से, किसी भी पीसी से, किसी भी मोबाइल से आप यहां पर हमें ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लाइव टेस्ट एंड क्यूजेस होंगे, जिससे आपके डिटेल्स रिपोर्ट करे जाएंगे और एनालिसिस किया जाएगा कि आप किस परफॉर्मेंस पे हो, एंड पीडीएफ्स एंड लर्निंग मटेरियल्स दिए जाएंगे जो टू द पॉइंट होगा आपके एग्जाम को सुनिश्चित करने हेतु, ये आपको दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शंस नहीं लिया हो तो मेरे सब्सक्रिप्शंस को आप ले सकते हैं। 1 मंथ के लिए अगर आप जुड़ते हैं दोस्तों तो 1400, अगर आप 3 मंथ्स के लिए जुड़ते हैं तो 3500, 6 मंथ के लिए जुड़ते हैं तो 6300, अगर 12 मंथ्स यानी एक साल के लिए जुड़ते हो आप तो 7700, 24 मंथ्स के लिए जुड़ते हो तो आप मात्र 11200 रुपीज में आप जुड़ सकते हो। इसके अलावे अगर आप हमारे रेफरल कोड ACM10 का प्रयोग करोगे तो डायरेक्ट यहां पर 10% का डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। तो लेट्स क्रैक झारखंड एग्जाम में आपका स्वागत है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, खूब सारा प्यार दें और शेयर करें, जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब करें। मैं अविनाश चंद्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।